आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। यूपी में कल जुमे की नमाज के बहते हुए बवाल के बाद प्रदेश में अब तक कुल 230 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सभी पादरियों की पहचान उपलब्ध वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए की जा रही है। वहीं प्रयागराज में एक नामित और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि वहां के जिला प्रशासन ने की। बता दें कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है और सभी संवेदनशील इलाकों पर अधिकारियों की नजर बनी हुई है। घटनाएं दो जगह हुई हैं, तो इसके अतिरिक्त सभी जगह पे लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूजा अर्चना की है और धार्मिक कार्यक्रम किए हैं। तो इस तरह से जो भी लोग जो शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, वो उसके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा तथा इसी कारण से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जुमे की नमाज के बाद कल हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उपद्रव पर पुलिस की कार्रवाई अब लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस की तरफ से 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा CCTV फुटेज के जरिए लोगों की पहचान और शिनाख्त की जा रही है कि कौन कौन वो लोग थे जो इस पूरे उपद्रव में शामिल थे। फिलहाल अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि आने वाले जुमे में भी इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको देखते हुए लगातार अलग अलग जिलों के अधिकारियों को हिदायतें भी दी जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम को एक बड़ी बैठक का आयोजन भी किया है, जिसमें अलग अलग जिलों के जो DM, SSP और SP हैं उनको बुलाया जाएगा और उससे फीडबैक लिया जाएगा कि कौन कौन से वो ज़िले थे और कौन कौन सी वो कमियां थी जिसकी वजह से ये घटना घटी है, और आने वाले जुमे में भी किसी तरह से कोई घटना ना घटे इसके लिए क्या मुस्तैदी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के कई सारे कप्तानों को भी बदला जा सकता है। देखना ये होगा कि अब आगे पुलिस अपनी मुस्तैदी किस तरह से दिखाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बुस्मिल की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उन्हें बलिदानों को याद किया। जोरान रवि किशन भी मौजूद रहे। साथ ही नमाज के बाद हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि पत्थर मारना गलत है, जो भी बात हो CM योगी के सामने रख सकते हैं। कि आप लोग ये जितना प्रेम से रहेंगे, बात कानून को अपना, आप लोगों की कोई समस्या है आप उसका आप लिखित आप मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं, अपने DM आवास पे दे सकते हैं। पत्थर मारना नमाज के बाद ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों पत्थर मारे, अब उन लोगों को चिन्हित करके प्रशासन उन लोगों के घर को कुर्की कर रही है, बुलडोजर चलाएगी। अगर आप लोग कोई भी गलत काम करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पूज्य महाराज जी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसको सज़ा होगी और वो कानून के दायरे में उसको डेफिनेटली लाया जाएगा। अमेठी में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद को लेकर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पड़ोसी जिले प्रतापगढ़ के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध किया और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमेठी जिले के ही किसी व्यक्ति ने जिलाध्यक्ष बनाए जाए। साथ ही कहा कि हम लोग राहुल गांधी से मिलकर शिकायत करेंगे, अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि गौरीगंज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का मामला है। हमारे बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष शुभम सिंह, उनका विरोध है। वो देखिए, मेरे पास प्रूफ भी है, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, वोटर लिस्ट में इनका नाम देखिए प्रतापगढ़ में है। तो किस बेस पे अमेठी के वो जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, मेरा यही पूछना है। जो उनको बनाया गया है उनसे पूछना है कि कभी उन्होंने यूथ कांग्रेस में काम भी नहीं किया, क्या चाटुकार जो रहे उसी को बनाना चाहिए? और यहाँ अचानक किसी की चरण बंदगी से किसी को अध्यक्ष बना देना, यह गलत बात है। हम शीर्ष नेतृत्व को इसको अवगत कराना चाहते हैं और कराएंगे। रेखा जी को, राहुल जी को फैक्स, मेल आदि माध्यमों से अपना संदेश पहुंचाएंगे और आप लोगों को अवगत करा रहे हैं।
फर्रुखाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। अवैध बनी बिल्डिंगों को बाबा के बुलडोजर ने गिरा दिया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव व नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। वही व्यापारी नेता अरुण प्रकाश तिवारी ने इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टिकोण है। व्यापारी समाज की रीढ़ है, व्यापारी शेष रहता है, तो इसलिए व्यापारी कम से कम समय तो दीजिए। आज हम लोग लोहाई रोड पे जो अतिक्रमण चिन्हित किए हुए हैं, अतिक्रमण अभियान जहाँ पर भी हम चिन्हित किए हैं वहाँ पर हम लोग समय दे दिए हैं और समय सीमा के बाद उन लोगों ने नहीं हटाया। लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि जिसकी दुकान टूटती है, जिसकी रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ता है, तो उसके हृदय से पूछे कि उसका उसके ऊपर क्या बीतती है। और ये ठीक है कि चौड़ीकरण सब हो रहा, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टिकोण अगर रखा जाए तो ज़्यादा उचित रहे। खबर अमेठी से है, जहां समाधान दिवस समारोह एसडीएम फाल्गुनी सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह और डॉक्टर प्रभारी राकेश सिंह भी मौजूदगी में आए हुए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद राजस्व विभाग के कानून को लेखपाल सभी को निर्देशित करते हुए निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से सभी का निस्तारण किया जाए। खबर श्रावस्ती से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साप्ताहिक जन्मोत्सव संगोष्ठी कार्यक्रम भिनका नगर के शांति मैरिज लॉन में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी और विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष LD त्रिपाठी रहे और इस मौके पर रायबरेली के जिलाध्यक्ष और चेयरमैन भी मौजूद रहे। खबर बताई से है, जहां सोच को गई किशोरी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपियों ने किशोरी के कनपट्टी पर तमंचा रख दिया और मुंह पे कपड़ा ठूस दिया, जिसके बाद किशोरी की मां ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ में एक युवती ने दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और बताया कि खेत में जाने के दौरान युवकों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। टप्पल थाने में प्राप्त तहरीर के अनुसार एक किशोरी ने दो लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है और इस पर अभी कार्रवाई चल रही है। सर, कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई पर इस पर कार्रवाई। अलीगढ़ महंत योगी कौशलनाथ जी के सांस्कृतिक कला ग्रीष्मकालीन शिविर पर 15 जून को निशुल्क आयोजन किया जाएगा और इस शिविर में संगीत, हारमोनियम, नृत्य, पेंटिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग का परीक्षण निशुल्क दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य माताओं बहनों को रोजगार पर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण पूरे होने पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। आगामी 15 जून से गिरिराज जी हनुमान मंदिर प्रांगण में प्रथम तल में एक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है ग्रीष्मकालीन, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, हारमोनियम, ढोलक, मेहंदी, सिलाई कढ़ाई, ताई कमांडो, योगा सहित बहुत सारे प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जाएंगे। ये सब मोदी जी और माननीय योगी जी की जो एक सपना है महिला सशक्तिकरण का, उसके अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के योग शिक्षिकाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। शाहजहांपुर में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर डीएम ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा का पहली पाली का समय 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली का समय 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हमारे यहाँ 12 जून को PCS प्रारंभिक परीक्षा 24 केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी विस्तृत बैठक हम लोगों ने कल विकास भवन में की थी, जिसमें लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर भी हैं नोडल, और हम सभी लोगों ने पुलिस के भी अधिकारी थे और सभी केंद्र व्यवस्थापक, और उनसे हम लोगों ने विस्तृत मीटिंग किया है। 6 बजे
डबल लॉक से ट्रेजरी से पेपर निकलेंगे, 8 बजे सेंट्रल पे पहुंचेंगे। फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई, जिसको महिला सिपाही और महिला वो पुरुष सिपाही करेंगे फ्रिस्किंग, उनका मानदेय भी आया है। इसलिए पानी पीने की व्यवस्था की गई, हर 50 विद्यार्थी पे एक वो वाटर मैन लगाया गया है और सुचारू रूप से निर्विघ्न और शांतिपूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराई गई। शहर से है जहां पुलिस ने अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मुमरेजपुर में अवैध खनन कर रही 2 JCB व 3 डंफरों को पकड़ा। वहीं इस मामले पर उपजिलाधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध खनन की सूचना काफी दिनों पहले ही मिल रही थी और पुलिस लगातार उन्हें पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी, जिसके चलते आज अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने की सफलता मिली है। यहाँ पर अवैध खनन, मिट्टी खनन हो रहा है, जिसके क्रम में तहसीलदार डीवाई और पूरी टीम के साथ यहाँ पर छापा मारा गया और मौके पर 2 JCB अवैध खनन करते हुए पाया गया, साथ साथ में 3 डंपर थे जिससे मिट्टी का भरप किया जा रहा था और परिवहन किया जा रहा था और मौके पर इनको पकड़ लिया गया है और उसको थाना अहमदगढ़ में सीज कर दिया गया है और खनन नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत से है जहां दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने नेटुआवीर चौराहे पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बता दें, घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। खबर रायबरेली से है जहां लालगंज के फायर स्टेशन में अग्निशमन विभाग की ओर से आग से बचाव और सुरक्षा के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। साथ ही अग्निशमन विभाग से आए सुरेंद्र चौबे मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनकी टीम ने अग्निशमन यंत्र का प्रदर्शन किया और कैसे आग को बुझाए जाए उसके तरीके भी बताए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश फायर स्टेशन मुख्यालय द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आग से बचाव के संबंध में और अगर कहीं व्यक्ति की और पशुओं की जीवन अगर कहीं खतरे में फंस जाती है तो उनकी जीवन को बचाने के संबंध में 100 दिन की कार्य योजना चलाई गई है, जिसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ब्लॉकों के स्तर पर इस जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें आग से मतलब लड़ने के लिए बताया है कि हम कैसे आग से बच सकें और आग लगी हो तो कैसे लोगों को बचाया जा सके। कहाँ के रहने वाली हैं आप? आज अभी आपको फायर स्टेशन लालगंज में जो आग लग जाती है उससे बताया गया है कैसे बुझाया जाएगा, क्या क्या सीखने को मिला है आपको? गीले बोरे से जोर से मारेंगे या फिर अंगूठे से। सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे? गीले कपड़े को जोर से डालेंगे उसके ऊपर या फिर उंगली लगा देंगे जहाँ से निकल रही हो जाए। बदायूं में पारिवारिक झगड़े को लेकर विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि थाना कादर चौक का मामला है। बात पढ़ाओ मानी दाऊ को अपने भाभी पास तो दूर ले आई जो बोल रहा हूँ नहीं प्यारे नहीं सो जाए थे तब वो आओ तो वहाँ के मार चौहार खड़खड़ा करो भाभी नवाज सही सही वहाँ वो तो मैं आओ वहाँ से मैं आओ तो 3 लोग जहाँ कहाँ रहे। खबर अलीगढ़ से जहां बेटा ना होने की वजह से ससुराल वालों ने पीड़ित को घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। वहीं पीड़िता ने कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए, जिसे वो आज भी सिर्फ थाने के चक्कर काट रही है और न्याय से वंचित है। बता दें कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र का मामला है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, उन्होंने रिश्वत ले ली है। रविपुरी पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं मिस्टर राहुल कुमार, मैं आपको उनका नंबर भी बताती हूँ। उनका नंबर है 9012436989। इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी है, इन्होंने मेरे ससुराल वालों से मिलकर रिश्वत लेकर और मुझसे बोल दिया कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब
तक की खास खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।